हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहली कुछ दो तीन वीडियोस के पहले एक मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल मैनेजमेंट के लिए या स्कूल के लिए कैसे वेबसाइट बनाते हैं। ये वाली वेबसाइट मैंने इसमें आपको दिखाई थी सारी कि इसमें क्या क्या मैंने चीज़ें ऐड की हुई हैं या इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं या मैंने की हुई हैं। तो ये सारी मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई थी वीडियोस, और यहाँ पे इमेजेस इमेज गैलरी लगी हुई थी। जैसे कि हमने इसको ओपन किया तो इमेज ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ से भी आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको कोई और इमेज वाला दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें तो इस तरह से कुछ वीडियो गैलरी थी, तो वो आप ऐड कर सकते हो उस पर, ठीक है। तो अगर हम इसको प्ले कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीडियो जो है उसको सॉरी नेक्स्ट पिक्चर को शो करता जाएगा, ठीक है। आप इसको पास कर सकते हो या इसको नेक्स्ट भी कर सकते हो। अगर आप इसका फुल साइज़ करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ से ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये मैंने आपको बताई थी, हम देखेंगे कि इसको हमने किस तरह बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा आज। इससे पहले आपने जो है मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। और जो है बेल के आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर करना है बाकी लोगों के साथ, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो अपने वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करना है, ठीक है। तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा आपको जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए फ्लैट सम थीम, ठीक है। ये पेड थीम है, $59 की आती है ये थीम, ठीक है। तो ये थीम मैंने यूज़ की है। आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं यही करो, फ्री थीम भी यूज़ कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं होता इसमें, लेकिन मैंने ये थीम यूज़ की हुई है, ठीक है। प्लगइन्स में आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्लगइन्स रिक्वायर्ड होंगे इसमें। एक्सेस मैनेजर मैंने यूज़ किया, ये मैंने इसलिए यूज़ किया अगर आप अपनी वेबसाइट कोई और यूज़र ऐड करना चाह रहे हो तो उसको यहाँ पे किस किस जो है मेन्यू पे, ठीक है, अपने डैशबोर्ड में कितनी एक्सेस देना चाह रहे हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये भी इस वेबसाइट के लिए ज़रूरी नहीं है, आप अगर रखना चाहते हो तो रख लो, नहीं तो मर्जी है आपकी, ठीक है। ये विजुअल कंपोजर के लिए कुछ ऐड ऑन्स हैं, ठीक है, उसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको चाहिए होंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 चाहिए, फ्री होता है, ठीक है। ईजी स्टूडेंट रिजल्ट्स ये भी फ्री मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला प्लगइन है जिसके जरिए हमने इसमें यूट्यूब वीडियोज़ ऐड की हुई है, ठीक है। वो आप इसके वैसे भी कर सकते हैं उसके कोर्स से, लेकिन मैंने इसमें गैलरी बनाई हुई है जैसे वीडियोस के लिए मैं भी दिखाता हूँ। तो इस गैलरी को ऐड करने के लिए आपको ये प्लगइन चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, अभी वो नहीं शो करेगा क्योंकि मैंने यहाँ से नेट ऑफ किया हुआ, तो इस वजह से वो नहीं शो करेगा। अदरवाइज मैंने आपको पहले दिखाया था उस वीडियो में अपनी में कि किस तरह करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पर मैं इसको ऑन करके नेट को मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर वीडियोस वो कैसे शो होती हैं, ठीक है, गैलरी। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद आपके पास यहाँ पे YouTube का जो चैनल होगा वो शो हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे अभी वो लोडिंग क्यों होना शुरू होगा, यहाँ पे उसने बताया वीडियोस कितनी हैं, व्यूज़ कितने हो गए हैं और सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ये वीडियो गैलरी में ऐड हो जाती है, ठीक है। ये आप उसके ज़रिए भी प्लगइन के ज़रिए भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे करोगे तो एक एक करके करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। प्लगइन से सिर्फ चैनल का लिंक हमने उसमें ऐड करना होता है तो वो ऑटोमेटिकली सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एग्ज़ाम एप्लीकेशन। अगर आप कोई ऑनलाइन टेस्ट लेना चाह रहे हो, जैसे कि एमसीक्यूज़ होते हैं, जिस तरह विजुअल यूनिवर्सिटी के होते हैं ऑनलाइन टेस्ट, वो तो वो अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। निंजा फेसबुक मैसेंजर आपको अगर चाहिए, ये देखिए यहाँ पे जो है ना हम लाइव चैटिंग कर सकते हैं यहाँ से। अगर कोई भी करना चाह रहे हैं हमसे चैट तो वो यहाँ से हमें मैसेज सेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ये इसकी सेटिंग भी बता दूंगा कैसे करनी है, ठीक है।
ये भी एक प्लगइन है न्यूज़ स्क्रॉलिंग के लिए, स्कूल मैनेजमेंट। एक्चुअली जो हम प्लगइन यूज़ कर रहे हैं ठीक है, वो स्कूल मैनेजमेंट का कर रहे हैं, जिसको हम देखेंगे। स्कूल मैनेजमेंट के लिए स्लाइडर रेवोल्यूशन जो हमने यहाँ पे स्लाइडर्स कुछ यूज़ किए हुए हैं ठीक है, ये ऊपर जो है, और यहाँ पे इमेजेस जो है मूव कर देते हैं ये। उसके बाद स्नो फॉलिंग, ये उसके एड ऑन हैं, वो स्लाइडर में मिल जाते हैं सारे, आपने उनको एक्टिव कर लेना। स्नो फॉलिंग ये इस देखिए इस वाले स्लाइडर पे जो फॉलिंग हो रही है, स्नो फॉलिंग ये चीज़ है ठीक है। ये है टिनी एम एस एम सी एडवांस ठीक है, ये वीडियो उसमें पोस्ट एडिटर में यूज़ होता है ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं दिखा दूंगा। और हमें चाहिए क्या, ये वाला डब्ल्यू पी न्यूज़ स्क्रॉलर विजेट जो कि हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ स्क्रॉल कर रही है ठीक है। इसके लिए मुझे चाहिए, और डब्ल्यू पी बैकरी पेज बिल्डर। असल में जो सारी डिज़ाइनिंग हो रही है इस प्लगइन के ज़रिए हो रही है ठीक है, जितनी भी डिज़ाइनिंग है, जितनी भी डिज़ाइनिंग है, यहाँ पे स्लाइडर लगे हुए हैं, यहाँ जो नीचे कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, पिक्चर्स वगैरह और डाउनलोड लिंक, इम्पोर्टेंट लिंक, इवेंट्स वगैरह, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इस प्लगइन के जरिए ऐड होनी है ठीक है। येलो पेंसिल प्रो है, ये प्लगइन इसलिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे कुछ ये देखिए, यहाँ पे साइड से आपको राउंडेड शो हो रहे हैं ठीक है, डीडीएस लगा हुआ है, तो इसके लिए जो प्लगइन यूज़ किया गया है वो येलो पेंसिल एडिटर किया गया है। इसके लिए आप सारी चेंजिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हैं ठीक है। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं ठीक है, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह, और जो जो भी आप उसमें चीज़ें करना चाह रहे हो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो ठीक है। तो येलो पेंसिल एडिटर इसलिए यूज़ होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअली हमने जो है इसका फर्स्ट पेज, ये वाला पेज, इसको हमने डिज़ाइन किस तरह किया है ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ पे चले जाना है पेजेस में, यहाँ पेजेस पे ठीक है, ऐड न्यू पेज करना है यहाँ से ठीक है। ऐड न्यू पेज करके कोई भी नाम रख लो आप, जो जो भी आप नाम रखना चाह रहे हो, उसका होम रखना चाह रहे हो, या जो भी पेज का नाम रखना चाहते हो, या फ्रंट पेज जो भी आप रखना चाहोगे वो उसका आपने नाम रख लेना ठीक है। तो अभी मैं नेट ऑफ करूँ क्योंकि नेट मेरा स्लो है, तो इस वजह से ये स्लो वर्क करेगा, मैं अगर नेट के बगैर करूँगा तो वो ज़रा ईजीली काम कर लेगा ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने पेज का कोई भी नाम रख देना, और आपने बैकग्राउंड एडिटर पे क्लिक कर लेना। अभी मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ क्योंकि नेट की वजह से वो लोड हो रहा था इसलिए वो। ओके, तो इस पेज का कोई भी आपने नाम रख लेना, जैसे कि मैं फ्रंट रख लेता हूँ ठीक है, तो ये रखे फ्रंट नेम, और इसको हमने पेज टेम्पलेट क्या करना है, फुल विड्थ करना ठीक है, क्योंकि हमें पूरे पेज पूरा पेज चाहिए। अगर हम फुल विड्थ नहीं करेंगे तो इसके साइड पे ना साइड बार शो होगी, जिस तरह बाकी के साथ साइड बार शो रही है, तो हम इसको पब्लिश कर देंगे यहाँ से ठीक है। पब्लिश करने के बाद हमने यहाँ से इसके बैकएंड एडिटर पे जाके इसको एडिट करना है उस पेज को ठीक है। अभी मैं आपको पेज दिखाऊंगा ये किस तरह से इसका व्यू होगा, मैं अभी यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। अभी जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरह, यानी यहाँ पे कोई चीज़ भी शो नहीं हो रही ठीक है। तो हमने क्या करना है, बैकएंड एडिटर पे क्लिक करना है, यहाँ से इसमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं। अच्छा, मैं आपको ये वाला पेज एडिट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से करता हूँ एडिट विद डब्ल्यू बैकरी पेज बिल्डर, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हुई हैं, और मैंने कैसे कैसे ऐड की हुई हैं ठीक है। तो वही चीज़ें आपने उस तरह ऐड कर लेनी है यहाँ पे। आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हो, अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, नहीं तो जिस तरह मैंने सेटिंग की हुई है आप उस तरह भी सेटिंग कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे मैंने जो है एक इमेज ऐड किया हुआ है ठीक है, मैं इसको बैक एंड पे लेके जाता हूँ, ये फ्रंट एंड पे भी आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं और बैक एंड पे भी कर सकते हैं, तो मैं बैक एंड पे करता हूँ ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने एक इमेज ऐड किया, तो
तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से एडिट एड एड एलिमेंट पर करना, ठीक है, और यहाँ से इसका इमेज ऐड कर देना, सिंगल इमेज हमने किया हुआ है ये, यहाँ से, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले उसने क्या किया हुआ, सिंगल इमेज। मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिंगल इमेज यहाँ से ले लूँगा एक, ठीक है। उसका टाइटल वगैरह कुछ नहीं करना हमने, मीडिया ही लाइब्रेरी है, और यहाँ से हमने वो वाला इमेज यहाँ से अब अपलोड कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। और यहाँ से सेलेक्ट फाइल करके ना आप उसको अपलोड कर सकते हो, जो भी आपको अपलोड करना चाहे इमेज। यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी है, यहाँ से आपने वो वाला इमेज इसमें अपलोड जो है सेलेक्ट करवा के सेट इमेज कर देना। तो मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड किया हुआ, मैं उस पर ही जाऊँगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारा इमेज था, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सेट इमेज कर देता हूँ। सेट इमेज करने के बाद मैंने इसको सेव चेंजेस करना है। सेव चेंजेस करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर दूंगा अपडेट, ठीक है। या यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं इसको अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देखें हमें इमेज शो हो रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं शो हो रहा। उसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे कुछ इसमें सेटिंग्स की होंगी, ठीक है। मैं इसको एडिट करता हूँ, और यहाँ पे हमने क्या किया होता है, फुल किया, देखें इसमें इमेज साइज में फुल किया, इसको सेंटर में किया, तो वही चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसको मैं अगेन से एडिट करता हूँ, यहाँ पे थंबनेल की जगह हमने लिखना फुल, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, सेंटर में कर देना, ठीक है। और मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ, अब मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। पेज को अपडेट होने के बाद मैं दोबारा से रिफ्रेश करके देख लूँगा कि हमारे पास वही चेंजिंग हो गई है कि नहीं, जो हम करना चाहिए। देखें तो ये इमेज हमारे पास ऐड हो गया, ठीक है। ये इमेज हमारे पास ऐड हो गया, ये मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया था, ये फोटोशॉप में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एडिट कर सकते हैं इसको, डिज़ाइन कर सकते हैं, या कोरोड्रा में भी जहाँ भी आप करना चाह रहे हो, ठीक है, इसको कर सकते हो। अदरवाइज इसकी बैकग्राउंड को ये कलर दे के उसके ऊपर भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ये इमेज ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी स्कूल का लोगो ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास उसमें क्या था, मैं अगला हमारे हमने ये ऐड किया हुआ उसके अंदर स्लाइडर, ठीक है। तो ये हमने स्लाइडर ऐड किया हुआ उसके अंदर। इसके लिए हमने क्या करना है, इसी एलिमेंट के नीचे प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्लाइडर ऐड करना है, तो मैं स्लाइडर को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास स्लाइडर रेवोल्यूशन 5, इस पर हमें क्लिक करना है। अब हमारे पास जो भी स्लाइडर है ना, हमने वहाँ पे ऐड किया हुआ ये वाला, वो हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये मैं आपको अभी आगे इसका बताऊँगा कि स्लाइडर कैसे हमने बना के बनाना और कैसे ऐड करना, ठीक है। ये मैंने बने बनाए पर स्लाइडर है, उनमें से मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इधर देखता हूँ मेरे पास कौन सा हमने स्लाइडर ऐड किया हुआ हमने ये वाला किया, ठीक है, स्लाइडर 1 वाला। तो यही स्लाइडर मैं यहाँ से इसमें ऐड कर लूँगा, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से अपडेट कर देता हूँ, ये वाला स्लाइडर जो अभी हमने ये वाला ऐड किया इसमें, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो ये देखें ये स्लाइडर जो अपना सक्सेसफुली इसमें ऐड हो गया, जो हम ऐड करना चाह रहे थे, जो इसमें ऐड हुआ हुआ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर और क्या हमने चेंजिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, ये स्लाइडर ऐड हुआ, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा गैप शो कर रहा है, ठीक है, स्लाइडर के अंदर और इस इमेज के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पे हमने एक रो ऐड करके उसमें स्लाइडर को ऐड किया हुआ था। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, इसमें हम रो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर हम स्लाइडर को ऐड करते हैं, ताकि हम देखें अब वो शो कर रहा है कि नहीं। अपडेट, और मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लूँगा, तो रिफ्रेश होने के बाद भी वो हमारे पास शो कर रहा है उसके अंदर गैप। तो
इसकी हम सेटिंग्स देख लेते हैं, रो की, इनर रो की। डिफ़ॉल्ट है 0 पिक्सल है और डिज़ाइन में ये है, ठीक है। इसी तरह मैं इसकी देख लेता हूँ, इसमें हमने क्या किया हुआ। ओके, इसको हम बाद में देखते हैं। ये मेरे ख्याल से येलो पेंसिल एडिटर से हमने इसको एडिट किया हुआ था। अच्छा, अब ये स्लाइडर मेरे पास ऐड हो गया। उसके बाद हमने एक और स्लाइडर ऐड करना है, वो यहाँ पे इसके नीचे वाला स्लाइडर, ये जो ऐड हो रहा है छोड़ा, तो उसी के हम क्या करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, फिर स्लाइडर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्लाइडर हो गया। अब हमारे पास जो वहाँ पर स्लाइडर है वो ये वाला ऐड हुआ है, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं यहाँ पर ऐड, मैं इसको अपडेट करता हूँ यहाँ से। अपडेट करने के बाद अगेन से इसको आपने रिफ्रेश कर लेना यहाँ से, ठीक है। जैसे हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे वो स्लाइडर भी ऐड हो गया, ठीक है। ओके, ये स्लाइडर हमने ऐड कर लिया। अब हमारे पास जो चीज़ें शो हो रही हैं नीचे, वो ये वाली हो रही हैं, ठीक है। तो अब हमने इनको कैसे ऐड करना है ये भी हम देख लेते हैं, ये वाली चीज़ें जो हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक और रो लिया जिसके मैंने फोर उसको मैंने फोर कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ, ठीक है। फोर कॉलम में डिवाइड करने के बाद उसमें टेक्स्ट ब्लॉक्स ऐड किए हुए। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक और रो ले लिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करना और इसको फोर कॉलम में मैंने डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद इसमें टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करना है। देखिए मैं इसको एडिट करता हूँ टेक्स्ट ब्लॉक को, तो ये मैंने इसमें ऐड किए मैं लिंक्स, और यहाँ पे मैंने उसको सेंटर में करके लिंक्स लिखा हुआ, और मैंने पीछे बैकग्राउंड में उसकी कलर डिज़ाइन दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिंक्स ऐड किए हुए हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से प्लस के साइन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करना, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और वी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। इसी तरह हमने बाकियों में भी ऐड कर लेना, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ चार, और इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से उठा के मैं इसको इसमें ऐड कॉपी कर देता हूँ, वो कहाँ चला गया ऊपर, ठीक है। इसमें ड्रैग करके आपने इसमें ऐड कर लेना, जिस भी ब्लॉग में आप ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब फोर्थ वाले में भी ऐड कर देना इसी तरह इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया फोर्थ वाले में। मैं इसको अपडेट करता हूँ, हालांकि फोर्थ वाले में हमने कुछ और चीज़ ऐड की हुई है, उसको हम देख लेते हैं। इसको थ्री में थर्ड में ही ऐड करना था, ठीक है। यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन वाला ऐड किया हुआ तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। अभी आपको यहाँ पे चेंजेस शो हो जाएंगे जो हमने यहाँ पे की हैं, ठीक है। तो ये देखें, वो हमें लिंक्स वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पे शो होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब फोर वाले में मैंने क्या किया था, फोर वाले में हमारे पास है स्क्रॉलिंग न्यूज़, ठीक है, इम्पोर्टेंट लिंक्स वाला, सॉरी, इसमें हमारे पास स्क्रॉलिंग न्यूज़ है ये वाला, ठीक है। नोटिफिकेशन में आके हमने यहाँ पे ये देखिए नोटिफिकेशन है, उसके नीचे न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा है। तो मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ हमने को इसको कैसे करना हमने, ठीक है। ये नोटिफिकेशन दिया, उसके अंदर हमने विजेट ऐड किया हुआ, ठीक है। जो हमारे पास नोटिफिकेशन विजेट है, हमने उसके अंदर वो विजेट ऐड किया हुआ। टेक्स्ट ब्लॉक में आ गए, यहाँ हमने यहाँ पे शॉर्ट कोड उसके ऐड कर दिए हैं, वो आप कर सकते हैं यहाँ से। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो है अगेन से
उसका टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करता हूँ, ठीक। और ये वाला जो हमारे पास शोर है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे, और ये वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट से कंट्रोल सी आपने कर लेना है, और इसमें आके हमने इसको पेस्ट कर देना। तो ये देखें, मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ, अपडेट करता हूँ, और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे वही नोटिफिकेशन आना शुरू हो गई हैं जो हमारे मेन पेज पे आ रही हैं। ठीक है, इस वाले पेज पे आ रही हैं, तो वो ही शुरू हो गई। अब साइडों पे ये देखें, ये चीज़ बिल्कुल साइड से बाहर जा रही है और यहाँ से भी बाहर जा रही है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको हमने थोड़ा सा इस वाली जो रो होगी उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे हम। इस रो पे क्लिक करना है, अपने डिज़ाइन ऑप्शन में जाना है, और पैडिंग या यहाँ से बॉर्डर या मार्जिन इसमें चेंजिंग कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, मैं 30-30 कर देता हूँ इसको, मैं सेव चेंजेस करता हूँ, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अपडेट करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश करने के बाद अभी देख लेते हैं इसमें कोई चेंजिंग शो हो गया है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखें ये साइडों से थोड़ा आगे आ गया। ठीक है, जैसे मैं 30 पिक्सल का उसमें ऐड किया, अब अपनी मर्ज़ी से जितना चाहो जहाँ सेट करना चाहो उसको कर सकते हो। ठीक है, अब अभी भी इस साइड से ये एग्जामिनेशन वाला और ये बाकी चीज़ें बिल्कुल उनके नीचे शो नहीं हो रही जिस तरह ये इनके नीचे शो हो रही हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी और पैडिंग दे के आप उसके बिल्कुल सेंटर में या नीचे उसमें ऐड करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब इसके नीचे हमारे पास क्या है, इमेज गैलरीज हमने ऐड की हुई हैं। इमेज गैलरीज हमने कैसे ऐड की हैं, हमने एक और रो ऐड किया, इसको फिर हमने 4 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, रो को ऐड करने के बाद हमने उसको 4 कॉलम में डिवाइड करना है। तो हम इसके नीचे एक और रो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसी के नीचे हम क्या कहते हैं, प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से रो ऐड करते हैं, और इसको हमने 4 कॉलम में डिवाइड करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है इमेज गैलरी ऐड करनी है, जिस तरह ये हमारे पास इमेज गैलरी ऐड हुई है। तो इस पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इमेज, ये सिंगल इमेज है, इसी तरह इमेज गैलरी भी है। ठीक है, ये है इमेज गैलरी, हमने ये ऐड करनी है। ठीक है, इमेज गैलरी ऐड करने के बाद उसने यहाँ पे कहा हुआ कि इमेजेस, इमेजेस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इमेजेस ऐड करने हैं जो भी आप गैलरी में ऐड करना चाह रहे हो, हम उस पर क्लिक करते जाएंगे। जितने इमेज आपने ऐड करने हैं हम उतने इमेजेस यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐड टू गैलरी कर देंगे। ठीक है, यहाँ ऐड इमेजेस कर देंगे। ऐड इमेजेस होने के बाद यहाँ पे वो इमेजेस ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ अगेन। तो ओके, तो ये यहाँ पे गैलरी ऐड हो गया। तो अगेन वही मसला आ रहा है इसके अंदर भी कि ये साइड पे बिल्कुल उसके साथ जो है टच कर रही है। तो वही चीज़ इसके इसमें करेंगे, इसकी रो को एडिट करेंगे, इसका थोड़ा मार्जिन इसका इसको दे देंगे 30 पिक्सल या 50 का, जितना भी आप देना चाहो। ठीक है, यहाँ से 50 और यहाँ से भी 50, तो मैं सेव चेंजेस कर दूंगा इसमें। अपडेट, और अपडेट होने के बाद इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करके देख लेंगे। ठीक है, तो जब जैसे ही वो रिफ्रेश हो जाएगा तो ये देखें अब उसका वहाँ से साइडों से थोड़ा सा मार्जिन शो हो रहा है आपको। ठीक है, तो मार्जिन आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, जितना भी आप रखना चाहते हो, उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक, इसी तरह आपने बाकी तीनों में इसको ऐड कर लेना। ठीक है, इमेज गैलरी को इसको कॉपी कर लो और इमेजेस बस वहाँ से चेंज कर लेने, आपने जो भी आप चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, वो आप कर सकते हैं यहाँ से, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, जस्ट इमेजेस वहाँ से चेंज करने हैं आपने। अपडेट, अपडेट होने के बाद मैं इसको गेम से रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो रिफ्रेश होने के बाद आप देखेंगे हमारे 4 की 4 गैलरीज जो है हमारे पास ऐड होगी, जिस तरह हमने
इसकी मेन पेज पे ऐड की हुई है ये वाली। अब हमने करनी है वीडियोस ऐड, जो जो यहाँ पे ऐड थी, अब वो इंटरनेट के बगैर ऐड नहीं होंगी। तो मैं अपना वाईफाई ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने ऑन कर लिया। अब हमने यहाँ पे वीडियोस ऐड करनी है, उसके लिए हमने यहाँ पे नीचे चार कॉलम ऐड करने हैं, क्योंकि हमने फोर यहाँ पे ऐड की हुई है वीडियोस, तो चार ही अपने कॉलम ऐड कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो ये सॉरी, तीन तीन वीडियोस हमने ऐड किए हैं, ठीक है। तो उसको हमने तीन कॉलम बना लेने हैं जो हम रो ऐड करेंगे नीचे। अब हम प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, रो ऐड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके हमने बनाने हैं तीन कॉलम, ठीक है, ये तीन कॉलम हमने बना लिए। अब इसके हमने दी हुई है बैकग्राउंड, ये जो रेड वाला एक बैकग्राउंड दी हुई है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, इसको एडिट करना है रो को, ठीक है। इसकी बैकग्राउंड में आ जाना है। बैकग्राउंड हमने क्या डिफॉल्ट ही रखनी, हमने इमेज इसमें ऐड करना, ठीक है। और फुल डिफॉल्ट विड्थ है जो भी है वो आपने यहाँ से करना है, ठीक है। इमेज हमने कहाँ से लेना है, अब हम डिज़ाइन ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये वाला इमेज है, ठीक है। मैं इसको सेट इमेज कर देता हूँ और मैं इसको सेव चेंज करता हूँ। अच्छा, सेव चेंज करने के बाद मैं इसको यहाँ से प्रीव्यू करवा लेता हूँ पहले ही, ठीक है, अपडेट करने से पहले कि हमारे पास वो रो किस तरह से शो हो रही है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से शो हो रही है, तो वो इस तरह ही शो हो रहा है उस टाइम भी, क्योंकि उस पर कोई अभी एलिमेंट ऐड नहीं किया गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, हम वीडियो हमने क्या ऐड किया हुआ है, हम देख लेते हैं पेज पे, हमने वीडियो प्लेयर ऐड किया हुआ इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है, वीडियो प्लेयर ऐड करना हमने यहाँ से, यह है वीडियो प्लेयर, ठीक है। वीडियो प्लेयर पे ऐड करना है, उसके बाद बॉक्स ओपन होगा, टाइटल उसका रखना है कि नहीं, इसके बाद यहाँ पे अपने वीडियो का लिंक देना, जो वीडियो आप ऐड करना चाह रहे हो उसका आपने लिंक देना, ठीक है। तो हम अपने YouTube पे जाते हैं, यहाँ पे हमने अपने चैनल में चले जाना है, या जो भी आप वीडियो उसमें देना चाह रहे हो आपने उसका लिंक कॉपी करके वो लिंक उसमें पेस्ट कर लेना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हमने करनी है, तो मैं इसका कॉपी लिंक करूँगा और इस पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको सेव चेंजेस कर दिया मैंने। अब इसकी तीन कॉपियाँ करके मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैंने पेज को प्रीव्यू किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें नीचे आपको वीडियो शो भी है। अब आप देख लेंगे साइडों से, साइडों के साथ ही बिल्कुल टच कर रही है, जैसे कि हमारे जो मेन पेज था उस पर ये वीडियो इस तरह से टच नहीं कर रही थी, ठीक है। देखिए, और एक हमारे पास जो इसका साइज शो हो रहा है वो कुछ बड़ा शो हो रहा है, ठीक है। इसको हमने देखना वो कैसे हमने किया हुआ, ठीक है। हमने क्या करना है, एक तो इसकी वो पैडिंग देनी है या मार्जिन उसमें देना है अपने रो में, और दूसरे यहाँ पे जो है इसको सेंटर में किया हुआ है, और वेट वो ऑटोमेटिकली एडिटिंग एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो है इसको चेंज करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मार्जिन मैं इसको 30-30 रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, आपने इसी तरह करके जहाँ पे आप सेटिंग रखना चाह रहे हो आप कर सकते हो, ठीक है। और इमेज के डिफरेंट सॉरी इमेज का नाम वीडियोज आप डिफरेंट जो भी लगाना चाह रहे हो उनके लिंक्स वहाँ पे ऐड कर देना जस्ट आपने। तो ये देखें, ये हमारे पास वीडियोज ऐड होगी। इस तरह हमने एक और नीचे एक और रो वीडियो की ऐड की हुई थी, मैं इसी ये हमारी जो रो है इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और नीचे वीडियोस के जैसे हमने लिंक जो है चेंज करने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वही वीडियो उस पर शो हो जाएगी जो आप वीडियो शो करवाना चाह रहे हो, ठीक है।
जिस तरह हमारी ये मेन पेज वाली। अब यहाँ पे आप देख रहे हो उसको रेडियस दिया हुआ, ठीक है, तो साइड है उसकी गुलाई में, तो उसके लिए भी हम इसकी एडिटिंग बाद में करेंगे, ठीक है। वो येलो पेंसिल एडिटर से होगा, इसमें जो चीज़ हमने करनी है। तो ये देखें हमारे पास दोनों जो है ऐड हो गए हैं, दोनों जगह पर वीडियोज ऐड हो गई, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड एक ही रखी है, अपनी वजह से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने चेंज किया आपको पता ही है, मैंने बताया इस तरह आपने उसकी बाकी की भी वीडियो की, सॉरी बाकी की जो है चेंज कर लेनी है बैकग्राउंड। अब यहाँ पे ये वाला इमेज मैंने ऐड किया हुआ, ये कैसे किया ये हम देखें। यहाँ पे सिंगल इमेज ऐड हुआ है, ठीक है, और उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से देख लेंगे। ये इमेज हमने ऐड किया, ठीक है, उसके बाद उसको फुल विड्थ किया लेफ्ट में किया हुआ, ठीक है, लाइन उसकी लेफ्ट में और डिफॉल्ट में। तो हम यहाँ पे जाते हैं, एक इमेज ऐड करते हैं, ठीक है, सिंगल इमेज ऐड किया हुआ हमने, मैं यहाँ पे, ठीक है, ये सिंगल इमेज है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ से हमने इमेज ले लेना जो हमने वहाँ पे इमेज ऐड किया हुआ, ठीक है। तो वो इमेज सेलेक्ट करने के बाद हमने उसकी जो, हाँ, जहाँ पे आप सेटिंग आपको पसंद है, यहाँ पे आप रखना चाह रहे हो, वहाँ पे आप उसकी सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इमेज कौन सा है, ओके, ये वाला इमेज है, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं सेट इमेज कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। सेट इमेज करने के बाद इसको आपने यहाँ पे इसकी जो थी थंबनेल, यहाँ पे इसको फुल कर देना, सेव चेंजेस, ओके। अब मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हम देख लेते हैं हमारे पास वो इस तरह से शो हो रहा है कि नहीं, जिस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इसको प्रीव्यू किया तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे वो शो हो गया इमेज, जिस तरह से वहाँ पे शो हो रहा है सेम, यानी जिस तरह मेन वेबसाइट पे शो हो रहा है, जिस तरह मेन वेबसाइट पे शो हो रहा है उसी तरह यहाँ पे भी शो हो रहा है। और इसके नीचे भी हमने ये इमेज ही ऐड किया हुआ, ठीक है। अब इमेज ऐड कर सकते हैं यहाँ, वैसे PNG इमेज ऐड करके उसकी डिजाइनिंग कर सकते हो। तो ये सारी मैंने इस पर की हुई है, ठीक है, अडोब फोटोशॉप पे आप इस पर कर सकते हो। इसके नीचे फिर अगेन से हमने सिंगल इमेज ऐड कर लेना है, और प्लस के साइन पे, और यहाँ से सिंगल इमेज, सॉरी ये गैलरी मैंने ऐड कर लिया, हमने सिंगल इमेज ऐड करना है, ये वाला सिंगल इमेज, ठीक है। तो अगेन से ये वाला जो इमेज है हम ये वाला ऐड करेंगे, अब उसमें मीडिया लाइब्रेरी और यहाँ से इमेज, तो ये वाला वो इमेज है, ठीक है, जो देखिए हमने ऐड किया हुआ। मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सेट इमेज, और यहाँ से हमने इसको फुल कर देना है, सेव चेंजेस। तो अब मैं इसको प्रीव्यू करवा लेता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू करवाने के बाद आप देख लेंगे कि उसमें क्या चेंजिंग हुई है क्या नहीं, ठीक है। तो ये मेरा पेज रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश होने के बाद ये देखें नीचे वो इमेज ऐड हो गया जो कि यहाँ पे ऐड था, ठीक है। उसी तरह वो नीचे भी इमेज इसमें ऐड हो गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो ये हमने पेज डिज़ाइन के लिए, अब हमने ये नीचे जो है फुटर है, ये जो नीचे फुटर है और इसके ऊपर ये मेन्यू है, ठीक है, ये हमने देखना है हमने कैसे बनाया, ठीक है, मेन्यू को और ये नीचे फुटर। अब हमने क्या करना है, मेन्यू हमने बनाना है, तो मेन्यू के लिए हमने क्या किया करना है, अपने अपेयरेंस में जाना है, यहाँ पे मेन्यूज में जाना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस पर ऐड किया तो मैं उसी पे डिज़ाइन करके दिखा रहा था एक और पेज आपको, तो वहाँ से मैं वैसे आपको बता देता हूँ मेन्यू हमने कैसे ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे मेन्यूज है, अपने मेन मेन्यू के नाम से या किसी भी नाम से मेन्यू ऐड कर लेना, यहाँ से उसमें यहाँ से उसको चेक करके ऐड टू मेन्यू कर लेना, ठीक है, जितनी भी आप मेन्यूज ऐड करना चाह रहे हो। अब सब मेन्यू अगर बनाना चाह रहे हो तो उसको थोड़े से उठा के ड्रैग करके थोड़ा सा आगे ले देना, ठीक है, इस तरह से आ करके, इस तरह ये पूरा इधर होगा तो वो मेन्यू में आ जाएगा, इधर इस जगह पे होगी, ठीक है, तो मेन्यू में आइटम आएगी। अगर आप इसको
थोड़ा सा इस तरह ले जाओगे तो वो सब मेन्यू में हो जाएगा चेंज। ठीक है, इस तरह इसके ये सब मेन्यू आपको शो हो रहे हैं, तो इस तरह आप मेन्यू को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऊपर जो गैलरी है ये मेन्यू, और ये नीचे जो उसके शो रहा है ये सब मेन्यू होता है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ से ऐड कर लेना ये मेन्यू वाली ऑप्शन में जाके। अब हमने क्या करना है कि हम देखना फुटर को हमने कैसे डिज़ाइन किया हुआ, हम आपने आ जाना इसमें कस्टमाइज वाले पे क्लिक करना है आपने। जब आप एडिट की ऑप्शन हो गए या लॉग इन होंगे आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है उसको। ठीक है, जैसे आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे एक इस यहाँ पे साइड पे कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, यानी एक मेन्यू ओपन होगा जिससे आपने सारी चेंजिंग करनी होगी, यानी कि अब इसका जो है फुटर फुटर में जो जो लिखना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ब्लॉक्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये एक ब्लॉक है, चलिए ये ओपन हो जाती है, उनको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ब्लॉक्स एक्चुअली ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ये विजिटर मैप वाला और ये लोकेशन वाला और कॉन्टैक्ट अस वाला और इंट्रोडक्शन वाला, यहाँ पे ब्लॉक्स ऐड हुए हैं ये। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ गए, हाँ फुटर पे क्लिक करना है तो ये चीज़ ओपन होगी आपके पास। ठीक है, ऐड विजिट वो कहेगा, तो विजिट जब ऐड करेगा तो अपने यहाँ से ब्लॉक ऐड करना होता है। ब्लॉक्स कहाँ पे हैं ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं ऑलरेडी, अपने ब्लॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लॉक्स ऐड हुए हैं। ठीक, अब यहाँ से न्यू ब्लॉग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे ब्लॉग है ये वाला, तो सॉरी पहले इंट्रोडक्शन का ब्लॉग है, तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन का ब्लॉग है ये इसको हम करते हैं एडिट। ठीक है, ये उसका शार्ट कोड है, आप शार्ट कोड से भी उसको किसी भी जगह शो करवा सकते हो, अपने जो भी आपका आपने ब्लॉग क्रिएट होगा उसको कहीं भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखें ये हमने टैक्सिस में लिखी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपने सोशल मीडिया आइकन को शो किया हुआ, जहाँ पे हैश आपको शो हो रहा है यहाँ पे आप उसका लिंक दे सकते हैं, आपका जो भी लिंक होगा फेसबुक का, इंस्टाग्राम का या ट्विटर का, तो वो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ। ठीक है, इसके बाद कॉन्टैक्ट अस का, इसी तरह हमने कॉन्टैक्ट अस का इधर ब्लॉक ऐड किया हुआ है, ब्लैक बैक ब्लॉक्स में जाते हैं। ठीक है, इस तरह हमने मैप का ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पे एक और है विजिटर मैप वाला, दोनों ही मैप के हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों शो करवा देता हूँ। इसके लिए भी आपको जो है कोड जनरेट करना पड़ता है, वो आप कोड जनरेट करके उसको पेस्ट करना होता है जस्ट आपने उसकी टेक्स्ट में जाके। ये देखिए ये ब्लॉक है जिसमें हमने ये हमने लोकेशन शो की हुई है। मैं टेक्स्ट में जाता हूँ तो ये कोड हमने ये पेस्ट करना है। ये कहाँ से आपने पेस्ट करना है, आपने जाना है माई लोकेशन, गूगल में जाके आपने लिखना माई लोकेशन। ये जो भी एप्लीकेशन ढूंढना चाह रहे हो वो आपने गूगल में जाके लिख लेनी है। ठीक है, आपने उसका मैप ओपन कर लेना है यहाँ से, या गूगल मैप्स में जाके वो लोकेशन लिखनी है। अगर आप कहीं और की ऐड करना चाह रहे हो तो गूगल मैप्स में जाके वो लोकेशन लिखनी है। उसके बाद वो कह रहा है शेयर, शेयर पे क्लिक करना है हमने। ठीक है, शेयर पे क्लिक करना है हमने, एम्बेड मैप करना है। ठीक है, एम्बेड मैप करने के लिए ये उसका कोड है। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लेना और अपने ब्लॉक में जाके यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ये पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी लोकेशन शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया गूगल मैप वाला। अब हमारे पास है विजिटर मैप ये वाला, तो इसको हमने कैसे ऐड किया। ठीक है, इसके लिए भी आपको कोड जनरेट करवाना पड़ता है उनकी वेबसाइट पे जाके, तो ये इसके लिए कोड है। ठीक है, ये किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे आपने जनरेट करवाना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको अभी उसका मुझे उसका लिंक याद तो नहीं है, लेकिन उसके जैसे ही आप उसके मैप के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपको उसी वेबसाइट पे जाकर रीडायरेक्ट करवा देगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने मेन वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट पे उसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही वो शो होता है हम उसको क्लिक करेंगे उसके ऊपर, यहाँ वो शो कर देगा आपको। अब मेरा नेट स्लो है इस वजह से थोड़ा लेट जो है वो लोड हो रहा है, ठीक है। तो भी जैसे ही लोड हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा अच्छा ये हमने ऐड कर लिया, हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड विजिट करना है। ऐड विजिट करने के बाद यहाँ पे हमने ब्लॉग सेट कर लेना, ठीक है। तो ये देखें फ्लैट से ब्लॉग्स ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ वो टाइटल पूछ रहा है, कोई भी टाइटल आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हैं, यहाँ इस से ब्लॉक सेलेक्ट करो और उसका टाइटल जो भी रखना चाहते हो, जैसे कि मैं टेस्ट रख देता हूँ, ठीक। ये तो ये रखने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो ब्लॉक ऐड हो जाएगा, जिस तरह हमारे पास बाकी 4 ब्लॉक ऐड हुए हैं इस तरह वो ब्लॉक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैप शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है, clustermaps.com। तो इस पे आ जाना आपने, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, क्रिएट एंड न्यू विजिट करना है आपने। उसकी वेबसाइट पे जब आएंगे क्रिएट एंड न्यू वेबसाइट करना है, यहाँ पे वो आपकी वेबसाइट पूछेगा, जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है और उसको कर देना नेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने youtube.com ही लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद वो पूछेगा लॉगिन का, आपने उसको यहाँ से लॉगिन कर लेना अपने ईमेल आईडी से, या अगर आप नहीं है तो उसको साइन अप कर लेना आपने यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे ये ब्लॉक ऐड हो गया हुआ जो अभी हमने टेस्ट के नाम से ऐड किया था, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा ये आ गया, अब वो देखें वो कह रहे कौन सा मैप ऐड करना है, ये वाला हमने करना है मैप विजिट वाला या ग्लोब वाला, तो हम ग्लोब वाले को सेलेक्ट करते हैं। हमने करना क्या, जस्ट ये कोड कॉपी करना है यहाँ से, और उस वाले ब्लॉक में आके टेक्स्ट वाली पोर्शन में आके, विजुअल में नहीं टेक्स्ट वाले पोर्शन में आके यहाँ पे पेस्ट कर देना बस, ठीक है। अब पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा, जो है ऐड हो जाएगा। ओके तो हम थे कस्टमाइज पे, ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी यहाँ से। अब कलर को कैसे कस्टमाइज करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये कलर अपनी मर्जी का कैसे ऐड करना है। उसके बाद ये नीचे देखें ये जो टेक्स्ट शो हो रहा है, हमने क्या करना है, इस पर एब्सोल्यूट फुटर पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से, कोई भी आप जो रखना चाहते हो वो आप यहाँ से टेक्स्ट इसकी सारी चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इसने बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ, अपनी मर्जी से कोई भी इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है, जिस तरह से आप करना चाहते हो आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह ये वाला फुटर है, दूसरा फुटर है फुटर ऑप्शन 2 वाला, इसकी भी इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी आप रखना चाह रहे हो उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये कलर है उसका, ठीक है। तो आप उसके भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो जिसका भी आप करना चाह रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, ये देखें ये आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको कस्टमाइज करना चाह रहे हो जिस तरह भी आप करना चाहते हो वो आप यहाँ से इसको कर सकते हो, ठीक है। इस तरह हम अगर आते हैं मेन्यू पे, ठीक है, हेडर मेन हेडर पे, यहाँ पे देखो वगैरह टॉप मेन्यू शो हो या नहीं, तो जहाँ पे आप उसको शो करवाना चाह रहे हो आप उसको जस्ट ड्रैग करके वहाँ पे ले जाएंगे तो वो मेन्यू वहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इसको वहाँ पे करता हूँ, न्यूज़ लेटर का आइकन वहाँ पे शो होना चाहिए कि नहीं वो कर सकते हो, मेन मेन्यू और लोगो शो होना चाहिए कि नहीं वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। HTML टैक्स ये देखिए, देखा मैंने हाई स्कूल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ जो लिखा हुआ है ये है एक्चुअली HTML टैक्स, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप उसको अपनी मर्जी से कोई भी चेंज कर सकते हो। आप स्ट्रॉन्ग यानी को थोड़ा बोल्ड शो, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो टेक्स्ट ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है, HTML टेक्स्ट यहाँ पे इस जगह पे। तो ये है उसकी HTML टेक्स्ट, ठीक है। तो ये था कुछ उसका फुटर और हेडर की कुछ सेटिंग, ठीक है।
मैं इसको लीव कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है, ये पेज कैसे डिज़ाइन हुआ वो भी सारा आपने देख लिया। अब ये जो हमने ऐड किए हुए स्लाइडर, इसको हमने कैसे डिज़ाइन किया अब वो देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने आपको चाहिए स्लाइडर रेवोल्यूशन, ठीक है, ये हमने ऐड किया हुआ स्लाइडर रेवोल्यूशन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये भी मैंने आपको बताया कि इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, अगर आप स्लाइडर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये आपको चाहिए होता है, ठीक है, हमने ये रिक्वायर्ड होता है। अब ये वाला स्लाइडर ऐड है वहाँ पे, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसमें हमने क्या लगाया हुआ है, इमेज लगाए हुए हैं, ठीक है, उसकी बैकग्राउंड चेंज किया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, और यहाँ लर्न मोर और ज्वाइन नो के बटन ऐड किए। इनको आप लिंक्स भी दे सकते हैं कोई भी, अगर आप ज्वाइन नो करवाना चाह रहे हैं, यानी किसी पेज पर डायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, उसको लिंक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइडर है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखें, ये सिर्फ हमने बैकग्राउंड इसकी दी हुई है, सब बैकग्राउंड है, उसके ऊपर हमने टेक्स्ट और इमेज को ऐड किया हुआ। ये वाले मैं ऑल स्लाइडर में जाता हूँ, ये एक्चुअली ये स्लाइडर नहीं है, वो होम वाला स्लाइडर है ये होगा। तो इस तरह से आपने ऐड कर लेना है यहाँ से। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि स्लाइडर कैसे क्रिएट करना है, क्या कैसे इसमें चीज़ें ऐड करनी है, वो आप देख सकते हो, ठीक है, सारी वो मेरी वीडियोस को फॉलो करके। और इसी तरह मेरे पास जो स्लाइडर था, ठीक है, तो इसको यहाँ से हमने स्लाइडर क्रिएट कर लेना है अपनी मर्जी से, जिस तरह से भी आप क्रिएट करना चाह रहे हो स्लाइडर। ये सारे स्लाइडर मैंने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, अब ये स्लाइडर का हो गया। उसके बाद हमारे पास असल में स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला स्कूल मैनेजमेंट के लिए डैशबोर्ड, तो उसके लिए हमने प्लगइन यूज़ किया था स्कूल मैनेजमेंट वाला, ये वाला, ठीक है, तो ये प्लगइन हमने यूज़ किया था। ये इस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो यहाँ पे देखें आप यहाँ से स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, टीचर ऐड कर सकते हैं, स्टाफ को, स्टाफ, पेरेंट्स, सब्जेक्ट्स, क्लास वगैरह, क्लास रूटीन, अटेंडेंस, एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है, वो वीडियो मेरी देख सकते हो, मैंने इस पर ऐड किया है। बाकी इस पर इसी वीडियो के नीचे मैं इनके लिंक्स दे दूंगा, स्कूल मैनेजमेंट का भी, एग्ज़ाम एप्लीकेशन का भी, यानी इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें कैसे एग्ज़ाम ऐड करना है, ठीक है, वो फिर स्टूडेंट्स को कैसे जो है सॉल्व कर सकेंगे, उनको रिजल्ट्स कैसे शो होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने बनाई ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो सारे लिंक्स इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है, वहाँ से इसको देख लेना। उसी तरह हमारे पास उनका कुछ रिज़ल्ट आप बाय रोल नंबर भी सर्च कर सकते हो, जिस तरह बोर्ड का होता है रिजल्ट, उस पर हम रोल नंबर लिखते हैं और रिजल्ट शो हो जाता है, तो ये है उसमें कुछ, ठीक है, तो इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। इस तरह येलो पेंसिल एडिटर का, इसका भी मैंने कंप्लीट बनाया हुआ, वो भी आप देख लेना। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा डेमो भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे इसने काम करना होता है, ठीक है, CSS एडिटर होता है एक्चुअली ये, तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप इसकी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, जैसे कि ये हमारे पास पेज है, इसमें हम कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं, या मैंने ये कहा था इसको हम रेडियस देंगे, दिखाएं जो देंगे इस वाले एलिमेंट को, हमने क्या करना है मैं इसको करता हूँ एडिट विद येलो पेंसिल, ठीक है, तो मैं जैसे ही येलो पेंसिल से एडिट करूँगा तो वो पेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, जैसे ही पेज लोड हो जाएगा तो फिर हम उसको देखेंगे, हम उसमें चेंजिंग कैसे करनी है या कैसे उसके स्टाइल्स को चेंज करना है। ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है, इसमें आप जो किसी भी थीम में एडिटिंग कर सकते हो, उसके लिए इसको कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी थीम को, ठीक है, वर्डप्रेस के लिए। अब सिंगल कस्टमाइजेशन अगर करोगे तो सिर्फ इसी पेज पे वो चेंजिंग होगी, यानी कि अगर जैसे ही किसी और पेज पे जाओगे तो ये चेंजिंग का कुछ शो नहीं होगी, तो अगर आप ग्लोबल करोगे तो सब पेज पे वो चेंजिंग शो होगी, ठीक है, हम ग्लोबल करते हैं, ग्लोबल करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हमने रेडियस देना, तो रेडियस देने के लिए हमने कहाँ पे आ जाना है, उसके बॉर्डर में जाते हैं हम, बॉर्डर में जाने के बाद
ऑर्डर स्टाइल नहीं, यहाँ पे उसका ये देखें बॉर्डर रेडियस, ठीक है, यहाँ से हमने रेडियस चेंज करना था। अगर टॉप लेफ्ट रेडियस, यहाँ से हमने टॉप लेफ्ट लेफ्ट रेडियस चेंज कर लेना है, इसी तरह टॉप राइट वो उसको चेंज करवा देगा उसके रेडियस को, ठीक है। इसकी ठीक है, यहाँ पे रेडियस बॉर्डर रेडियस, ठीक है, और इसी तरह इसका जो है बॉटम से आप रेडियस चेंज करवा सकते हो, ठीक है, और इसी तरह बॉटम लेफ्ट रेडियस, ठीक है। अब जैसे रेडियस चेंज कराओगे ये इसकी जो है कॉर्नर गोल होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा, आई थिंक वो सही से सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं फर्ज करें किसी और एलिमेंट को सिलेक्ट करा के उसका करता हूँ। अच्छा, वहाँ पे ये रेडियस वाली जब फाइल ये यहाँ पे काम नहीं था करा, क्योंकि वो मैंने पेज सेव नहीं था किया, जस्ट मैंने प्रीव्यू किया था उसको मैंने सेव नहीं था किया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका जो भी रेडियस चेंज करना चाह रहे हो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मार्जिन आप इसका टॉप बॉटम जितना देना चाह रहे हो, ये देखें यहाँ पे आपको ये सेव चेंजेस होती हुई कुछ शो हो रही होगी, ठीक है, ये देखें मैं मार्जिन कर देता हूँ, ठीक है। इतना अगर आप हम जाते हैं वापस और किसी और एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी इसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाह रहे हो, तो वो भी इसी तरह से आप इसमें पैडिंग दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो इस एडिटर के लिए, जरिए येलो पेंसिल एडिटर के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब इसमें हमने ये जो है ऐड किया हुआ एक और चीज़, हमने चैटिंग के लिए हमने पेज ऐड किया हुआ अपनी फेसबुक का, उसको हमने कैसे ऐड करना, वो मैंने आपको प्लगइन बताया था, जो हमने प्लगइन ऐड करना है वो है हमारे पास यहाँ पे था अभी हमारे पास फेसबुक के लिए मैसेंजर, ठीक है। तो ये हम मैसेंजर पे क्लिक करते हैं, इसकी हमने सेटिंग देखनी है, यहाँ पे हमने अपने स्कूल का वो देना है लिंक, सॉरी स्कूल का कह रहा हूँ, अपने फेसबुक पेज का लिंक देना, ठीक है। स्मॉल हेडर है ये लार्ज हेडर वो डिस्प्ले करे कहाँ पे करे, बॉटम में टॉप में लेफ्ट, जहाँ पे उसका आइकन छोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने इमेज अपलोड किया हुआ, ठीक है, अगर आप जो भी इमेज अपलोड करना चाह रहे हो यहाँ से आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका कलर मेन कौन सा होना चाहिए वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो और उसको ऐड कर सकते हैं या चेंज। ये इसके अलावा वो किस किस पेज पे डिस्प्ले हो, ठीक है, वो ऑल पे करना चाह रहे हो या जैसे ही करें, अगर आप इसकी सेटिंग मैसेज छोड़ दोगे ऑल पे हो जाएगा, अगर आप किसी एक पेज पे करना चाह रहे हो तो वो ये करेगा। मोबाइल पे हाइड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे वो मोबाइल पे ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये थी कुछ वेब डिज़ाइन जो मैंने ऑलरेडी की हुई थी, मैंने आपको बताई सारी इसमें करके, ठीक है। जहाँ पे आपको समझ नहीं आया आप उसमें मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा अगर किसी को ये वाली फाइल चाहिए, ये सारी एक ही फाइल है, आपने करना क्या है, जस्ट अपने उसमें वर्डप्रेस पे इंपोर्ट करना है, 2 से 3 मिनट में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, सारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, यानी कि डेमो जो मैंने बनाया हुआ ये सारा आपके पास रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपने यहाँ से जस्ट अपलोड कर देना, ठीक है, इंपोर्ट में जाके ये वाली फाइल सेलेक्ट करनी है ये वाली, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा। अगर कि ये किसी को फाइल चाहिए तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, पर ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो ऐड हुई हैं एक्चुअली यूज़ हुई हैं, जैसे कि फ्लैट सम में $59 की है, और ये प्लगइन भी $40 का है, एग्ज़ाम एप्लीकेशन वाला स्कूल मैनेजमेंट वाला भी $59 का है, बाकी भी पेड हैं ऑलमोस्ट। तो अगर किसी को चाहिए तो ये मुझसे ले सकता फाइल पूरी की पूरी बना बनाया स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो कम चार्जेस में आपको दे दूंगा, सस्ता दे दूंगा, लेकिन ये फ्री नहीं होगा, ठीक है। और ये येलो पेंसिल एडिटर ये भी $25 का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं दे दूंगा तकरीबन, ये एक्चुअली इसकी जो प्राइस बनती है वो बनती है $500-600 से ऊपर ही जाती है इसकी प्राइस, ठीक है।
तो मैं $200 में अगर किसी को ये बनी बनाई वेबसाइट इसकी ये बैकअप फाइल चाहिए, वो जस्ट सिंगल क्लिक करेगा तो ये सारी की सारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो $200 तक अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर वो खुद बनाना चाह रहा है तो मैंने आपको बता दिया कैसे हमने बनानी है, तो वो बना सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, ये हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन कैसे ऐड करने हैं। नोटिफिकेशन ऐड करने के लिए देखें मैनेज स्क्रोलिंग न्यूज, हमने मैनेज स्क्रोलिंग न्यूज पे जाना। ये जो हमारे पास नोटिफिकेशन यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, ये मैंने आपको बताया नहीं कि कैसे ऐड करना है। स्क्रोलिंग न्यूज में जाना है, यहाँ पे ये देखें ऑलरेडी कुछ न्यूज़ ऐड हुई हुई है, ये देखें इंपॉर्टेंट नोटिस के नाम से। इस तरह आपने ऐड न्यू कर लेना, मैं इसी को एडिट करके बता देता हूँ कि इसमें हमने क्या किया हुआ चीज़ें, ठीक है। ये देखिए उसका हमने टाइटल देना है और उसकी यूआरएल देनी है। यूआरएल क्या है कि जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा वो इस नोटिस पे, तो कौन सा जो है वेबसाइट ओपन होगी या कौन सी पोस्ट ओपन होगी वो उस पर क्लिक कर इसके क्लिक करने से, ठीक है। तो वो मैंने अपनी वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ उसमें, और उसके साथ न्यूज़ स्क्रॉल क्या करेगी, ठीक है। ये हमारे पास जो स्क्रॉल न्यूज़ कर रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट एंड टीचर फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो वो ये चीज़ मैंने ऐड की, ठीक है। जस्ट ये चीज़ ऐड करके जस्ट आपने यहाँ से सेव चेंजेस कर देना आपने, तो वो न्यूज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं वो करके एक न्यू ऐड करके दिखा देता हूँ, यहाँ से हम बैक जाते हैं यहाँ से और मैं ऐड न्यू कर देता हूँ, ठीक है। ऐड न्यू पे करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसके, ठीक है, स्किलिंग, और इसको मैं लिंक कोई भी दे देता हूँ, ये मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट में आप उसके साथ टेक्स्ट कौन सी वाली स्क्रॉल करना चाह रहे, मतलब क्या स्क्रॉल करना चाह रहे, जो यहाँ पे ये जो इसके साथ टेक्स्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसी को नहीं कोई और टेक्स्ट मूव कर लेते हैं इसके साथ, हम यहाँ से, अच्छा यहाँ से प्लीज विजिट माई वेबसाइट, प्लीज विजिट माई वेबसाइट, ठीक है। तो ये कर देता हूँ, मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे वो नोटिफिकेशन भी यहाँ पे हमें शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसी पेज पे जहाँ पे हमने उसको ऐड किया। तो ये देखें आ गया वही नोटिफिकेशन यहाँ पे इसके लिंक के नाम से, ठीक है, लिखा हुआ है प्लीज़ विजिट माई वेबसाइट। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो हमने उसको जो लिंक दिया था ना इसके इसके इमेज सॉरी इसकी न्यूज़ के में, तो उसी लिंक पे मैं उसने रिडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने लिंक यही दिया था, तो हमें उसी लिंक पे उसने रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी स्कूल के लिए वेबसाइट बना सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। तो अगर आपको बड़ी बनाई चाहिए तो आप उससे वो फाइल ले सकते हैं, ठीक है। इतनी महंगी नहीं है, क्योंकि एक तो मैंने इसकी डिज़ाइनिंग भी की हुई है काफ़ी सारी, ठीक है, और दूसरा जो है वैसे उसकी प्राइस, अगर आप सारे प्लगइन खुद से बाय करेंगे थीम बाय करेंगे तो वो तकरीबन $500-600 तक जाएगी, और डिज़ाइनिंग करवाएंगे किसी से तो वो भी $500-600 ले ही लेता है, ठीक है, स्कूल की वेबसाइट डिज़ाइन करने में। तो $200 तक अगर कोई मुझसे लेना चाह रहा है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है।